विराट कोहली ने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा। इस शॉट के साथ विराट का वनडे में 48वां शतक पूरा हुआ और भारत को वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत मिली। भारत का इस विश्व कप में जारी 257 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंद दिया। विराट कोहली ने नाबाद 103 रन की पारी खेली। इस बार हवा में, इस बार ऊंचाई भी है जगह। इस शतक के साथ विराट अब सचिन के 49वें वनडे शतक से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। अपनी पारी के दौरान विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 26,000 रन भी पूरे किए। 48 नंबर शतक विराट के नाम, चौथी लगातार जीत शतक के। बहुत कम क्रिकेटर ऐसे मिलेंगे कि उनको अपनी एबिलिटी का मालूम है, उनको स्ट्रेंथ का पता है, वीकनेस का पता है। जैसे पिछली दो बार वो हुक पे आउट हुए, इस बार वो छोड़ते गए, शायद एक आधा पुल किया था। जो प्लेयर अपने आप को समझ जाता है उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। हमने नहीं कभी सोचा था कोई भी प्लेयर सचिन तेंदुलकर के पास भी पहुंच जाएगा। वेल डन विराट कोहली, हैट्स ऑफ टू यू। विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच फिनिश किया तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत के लिए तूफानी शुरुआत की। दोनों के बीच 88 रन की बड़ी साझेदारी। डाउन द ट्रैक और सीधा दर्शकों के। रोहित ने 48 रन बनाए तो गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाई। बहुत फाइन आउट लगा सकते हैं। पैड्स पे हल्का सा सहलाया है बस गेंद को। बैटिंग के साथ साथ एक बार फिर भारत की गेंदबाजी शानदार रही। रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने दो दो विकेट छोड़ाए। मीडिया एंड से केएल राहुल का लॉन्ग ऑफ पे प्लेयर जिसकी गोद में गेंद। भारत की दमदार गेंदबाजी ने एक और आसान जीत का रास्ता खोला और इसी के साथ सेमीफाइनल का रास्ता भी आसान हो गया। लेकिन इस बार सफलता। सेमीफाइनल में सीधी एंट्री के लिए भारत को अब 5 में से 3 मुकाबले जीतने हैं। 4 मैचों में 4 चेस 4 जबरदस्त जीत और अब इंतजार है न्यूजीलैंड की टीम का धर्मशाला में। वो न्यूजीलैंड की टीम जिसके साथ भारत को अक्सर परेशानी हुई है, लेकिन फिलहाल यहां पर अगर जितने भी फैन से बात करें तो उन्हें यही लगता है कि इस बार कप टीम इंडिया वापस लेके आएगी और जीतेगा अगर तो सिर्फ इंडिया। पर जीत के जश्न के बीच एक बुरी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या को चोट लग गई है और उनके अगले मैच में खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है।